इस यूनिट में बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, पहला प्रॉफिट लॉस कॉस्ट वैल्यू एंड परसेंटेज से रिलेटेड एंड दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब आप बोलेंगे इतनी सारी चीजें क्या है, तो ये सारी इसलिए है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट वैल्यू इनटू 100। अब यहां पे क्या आ गया, आपको परसेंटेज आ गया, कॉस्ट वैल्यू आ गया एंड आपका प्रॉफिट आ गया। अब इस इक्वेशन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताता हूं। जनरली क्या होता है कि मिस्टर ए ने अपना 5% दिया मिस्टर बी को और बी ने अपना 2% दिया मिस्टर सी को और 10% दिया मिस्टर डी को। तो कभी कभी आपसे ए और डी के बीच में रिलेशन पूछता है, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एक परसेंटेज का कि कौन परसेंटेज किसका है। तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं कि इसे कैसे समझा जा सकता है। सपोज मिस्टर ए हैं, उनके 3 बेटे हैं, बी सी और डी। अब इनके पास इनकम है 500 रुपीज, या आसान कर देता हूं 1000 रुपीज इनके पास इनकम है। तो किसी भी आदमी का इनकम, जो भी पैसा उसके पास टोटल है, वो क्या होता है 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। 100% कैसे डिफाइन करेंगे, उस आदमी के पास जितना भी पैसा है वो उसका 100% होता है। वो ना बी का 100% है, ना सी का 100% है, ना डी का है, ना किसी और का 100% है। वो सिर्फ और सिर्फ किसका 100% है, वो ए का 100% है। क्यों? क्योंकि 1000 रुपीज किसे मिल रहा है, मिस्टर ए को मिल रहा है। अब इसने क्या किया, बी को दिया 200 रुपीज, सी को दिया 100 रुपीज एंड डी को दिया 500 रुपीज। तो मिस्टर ए के हिसाब से उसने बी को कितना दिया, 20% दिया। कितना दिया, 20% दिया। किसके हिसाब से, ए के हिसाब से दिया। फिर उन्होंने सी को कितना दिया, उन्होंने सी को अपने हिसाब से 10% दिया। थर्ड वन, फिर ए ने अपने हिसाब से डी को कितना दिया, डी को दिया उन्होंने 50%। ये हो गया ए का पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जैसे कि अब मैं आता हूं मिस्टर बी पे। ए ने तो इसे 20% दिया, बट मैं बी हूं, मेरे लिए ये 200 रुपीज क्या है, ये मेरा इनकम है, ये टोटल मनी है जो मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए वो क्या हुआ, 100% हुआ। और सी को कितना रुपीज मिल रहा है, 100 रुपीज मिल रहा है। ए के लिए तो वो 10% है, बट सी को टोटल मनी कितनी मिली, 100 रुपीज मिली, तो इसका भी वो 100% है। परसेंटेज कैसे डिसाइड करते हैं, आपके पास टोटल मनी जो आ रही है दैट इज कॉल्ड 100%। वैल्यू चेंज हो सकता है बट परसेंटेज ऑलवेज सेम। सिमिलरली डी में क्या होगा, इसे 500 रुपीज मिला और ए के रिस्पेक्ट में ये 50% था, बट डी के रिस्पेक्ट में क्या था, ये 100%। तो आप यहां पे देख सकते हैं, बस पॉइंट ऑफ व्यू का इश्यू होता है। जैसे कि अगर ए के रिस्पेक्ट में देखें तो 20%, 10% एंड 50%, बट हम बी सी डी के रिस्पेक्ट में देखें तो उन्हें क्या मिल रहा है, 100% मिल रहा है। इसके बाद मान लेते हैं कि सी खर्च कर रहा है 5%। कौन खर्च कर रहा है, सी खर्च कर रहा है 5%, तो वो कितने रुपीज खर्च करेगा, 5 रुपीज। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि ए के पास कितना पैसा था, उसे बस इस बात से मतलब है कि उसके पास टोटल मनी कितना था। तो उसका 100% क्या हुआ, 100 रुपीज, तो उसका 5% हुआ 5 रुपीज। अब इसे क्वेश्चन में देखते हैं एक एक करके कैसे हम यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अलका स्पेंड 90%
ऑफ द मनी दैट शी रिसीव एवरी मंथ. अलका को जो मिलता है उसमें से वो क्या करती है 90% खर्च कर देती है एंड सेव रुपीज 120. तो आपको कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, सपोज दैट अलका को कितने रुपीज मिले, एक्स मिले, क्योंकि वो एक्स आपको दिया हुआ नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है हाउ मच मनी डज शी गेट्स मंथली. तो सपोज दैट दैट मनी इज एक्स एंड ये इसका परसेंटेज क्या होगा, किसी भी आदमी को जो भी इनकम मिलता है वो उसका कितना परसेंटेज होता है 100% होता है. ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गया एक्स एंड परसेंटेज क्या हो गया 100. तो कभी भी एक सिनेरियो आपको बार बार आएगा वो है नॉर्मल नंबर एंड परसेंटेज. तो यहां पे नॉर्मल नंबर क्या है एक्स और परसेंटेज क्या है 100. अब अलका ने क्या किया 90% खर्च कर दिया, कहां पर स्पेंड कर दिया अपने नॉर्मल एक्सपेंडिचर में, और उसके बाद उसने कितने रुपीज बचाए 120 रुपीज बचाए. तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक चीज आपको परसेंटेज में दी हुई है और दूसरी चीज आपको नॉर्मल नंबर में दी हुई है. तो याद रखें जब भी क्वेश्चन में कोई भी नॉर्मल नंबर दिया है तो आपका सबसे ज्यादा फोकस वहां होना चाहिए, बाकी जहां पे सिर्फ परसेंटेज दिया है वहां होना चाहिए. अब आप यहां पे देखिए आपके पास नॉर्मल नंबर क्या है 120 है और 90% अगर इसने खर्च कर दिया, टोटल इसके पास कितने थे 100% थे, तो टोटल परसेंटेज उसे कितने बचे यहां पे, तो दैट इज 100% माइनस 90% इक्वल टू 10%. तो अलका जो एक्स रुपीज कमाती है उसका 10% कितना है 120. तो इसे वर्ड में मैं ऐसा लिख सकता हूं 10% ऑफ अलका सैलरी इक्वल टू 120. दैट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ, ऑफ मींस मल्टीप्लाई. एंड डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू नॉर्मल नंबर, इफ दे आर 10% so normal number is 10/100. Suppose that there are 200%, so normal number is 200/100. हमें ये क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ देखिए एक परसेंटेज में है और एक नॉर्मल नंबर में है, तो परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने का यही रूल होता है कि अगर आप उसे 100 से डिवाइड कर दे तो आपका काम बन जाएगा. ऑफ अलका सैलरी, व्हाट इज द अलका सैलरी, दैट इज एक्स 120. हाउ मेनी अननोन नंबर इज हियर, देयर आर ओनली वन अननोन नंबर, दैट इज एक्स हियर. तो क्या करेंगे x को अलोन कर देंगे. क्यों अलोन कर देंगे, क्योंकि जब तक हम अलोन नहीं करेंगे इस x का वैल्यू नहीं निकलेगा. अब क्या होता है रूल, रूल ये होता है कि जो भी चीज डिवीजन में हो वो मल्टीप्लाई में जाती है और जो मल्टीप्लाई में हो वो डिवीजन में जाती है. ये 10 क्या कर रहा है, बेसिकली x को डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये था आपके समझने के लिए. बट अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, लेट्स एज्यूम अलका सैलरी इक्वल टू एक्स, ओके, एंड सेविंग परसेंटेज इक्वल टू टोटल परसेंटेज माइनस स्पेंड परसेंटेज. व्हाट इज टोटल परसेंट, दैट इज 100% माइनस 90% इक्वल टू 10%. एंड उसके बाद आप सीधे वही लिखेंगे 10% ऑफ अलका इक्वल टू 120 रुपीज. यहां क्या लिखेंगे गिवन में. उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या देखा, बेसिकली दो तरह के नंबर होते हैं, एक आपका नॉर्मल नंबर होता है और एक परसेंटेज होता है. जहां भी आपको नॉर्मल नंबर दिया हो वहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से ही आपका वैल्यू निकलेगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज. सुमित ने क्या किया, 50,000 रुपीज कहीं से उठाए टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस. उसने क्या किया, 50,000 रुपीज उसने एक फूड प्रोडक्ट बिजनेस में लगा दिए. इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%. अब क्या हुआ, उसे 20% का लॉस हो गया. बट इससे पहले ये जो 50,000 रुपीज उसे मिले थे वो एक्चुअल में क्या था उसके लिए, वो उसके लिए 100% था, जिसमें उसे 20% का लॉस हो गया. ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस. उसने क्या किया, जो रिमेनिंग बचा उसे स्वीट बिजनेस में डाल दिया. सिंपल सी बात है, अगर सुमित के पास 100% था
तो जब उसे 20% का लॉस हुआ तो एक्स के पास कितना परसेंट पहुंचा, दैट मीन्स 100 माइनस 20% इक्वल टू 80%। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास जो फंड था 100%, जिसमें 20% का लॉस हो गया, तो कितना परसेंट फंड एक्स के पास पहुंचा, एक्स के पास 100% फंड पहुंचा। अब ये बिजनेस क्या है, ये एक नया बिजनेस है, तो कभी भी नया बिजनेस को जो पैसे मिलते हैं वो उसके लिए 100% होता है, तो जो उसे 80% में मिलेगा वो उसका क्या होगा, 100% होगा। सपोज दैट कुछ वैल्यू आएगी, वो उसका क्या होगा, 100% होगा। अब इस 100% का क्या हुआ, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। उसने क्या किया, इस 100% को जब उसने लगाया तो उसे 5% का प्रॉफिट हो गया, तो 100 प्लस 5 कितना बन गया, 105। क्या हुआ था लास्ट टाइम, 100% में 20% लॉस हो गया था, तो कितना बन गया, 80%। बट ये 80% जब नए बिजनेस को मिला तो नए बिजनेस ने इसे एज ए 100% लिया और उसने क्या किया, 5% का प्रॉफिट लिया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 105 हो गया। अब समझने की बात है यहां पर कि ये 105 जो है ये किसका है, ये एक्स का है, इसे स्टार्टिंग कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, इसे किससे मतलब है, सिर्फ इसे सिर्फ और सिर्फ नए बिजनेस का जो 100% था उससे मतलब है। तो कितना मिलेगा वाई को, 105% मिलेगा। अब इसे हम क्वेश्चन के रूप में समझते हैं, जैसे कि क्या दिया हुआ है आपको, कैपिटल इक्वल टू 50,000, कैपिटल इक्वल टू 50,000, दैट इज 100%। टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, तो कितना पैसे बचे, लेफ्ट मनी फॉर न्यू बिजनेस इक्वल टू 100 माइनस 20 इक्वल टू 80%। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास 50 कैपिटल दिया हुआ था तो हमने कुछ 50,000 जैसा कुछ क्यों नहीं निकाला, तो इसका आंसर ये है कि हमें 50,000 तो रुपीज में पता है बट लॉस कितना हुआ रुपीज में वो हमें नहीं पता है। बट अगर परसेंटेज की बात करें तो हमें 100% भी पता था और 20% भी पता था, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं और वो क्या है, 80% का कंक्लूजन। और ये 80% किसका है, ये 80% सुमित ने जो कैपिटल लगाया था उसका 80% है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, न्यू बिजनेस गेट्स इक्वल टू, या इसे कोई नाम दे दे आप, एक्स इक्वल टू 80% ऑफ कैपिटल, 80% ऑफ कैपिटल। अब हमें पता है कैपिटल क्या था, 50,000, परसेंटेज क्या था, 80, बट परसेंटेज को नॉर्मल नंबर के साथ कंपेयर करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आपको आया 8 × 5 = 40, दैट मींस 40,000 रुपीज। ये क्या है, 80% है, 80% ऑफ कैपिटल है, और 80% ऑफ कैपिटल किसको मिला है, न्यू बिजनेस को मिला है, तो न्यू बिजनेस को कितने रुपीज मिले, 40,000 रुपीज मिले। अब क्या हुआ, न्यू बिजनेस दैट मीन 40,000 रुपीज जब उसने लगाया तो 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% प्रॉफिट किस पे हुआ, 40,000 पे हुआ कि 50,000 पे हुआ, सिंपल सी बात है 40,000 पे ही हुआ, क्योंकि नया बिजनेस को जो पैसा मिलता है वो उसके लिए 100% होता है, तो 40,000 उसके लिए क्या था, 100% था। तो अब 100% कितने में कन्वर्ट हो गया, 105 में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल गेन इन लास्ट, क्या है टोटल गेन ऑफ लास्ट, 105% ऑफ 40,000 ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हमने 40,000 लिखा है। अभी आपको पहले से पता है, मैं एक बार फिर से बताता हूं, ये 40,000 क्या था, 100% था, उस पर 5% का प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स अगर वो खुद 100% था तो 5% का प्रॉफिट हो गया, दैट मीन्स एड हो गया, तो क्या हो जाएगा, 105% हो जाएगा, तो किसका 105% हो गया है, 40,000 का 105%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफ,
That means multiply, convert 105 into 100 because percentage को normal number में change करना पड़ेगा 40,000. अगर मैं multiply करूं तो क्या आएगा 400, 420, 0, 0. ये हो गया आपको 42,000. तो उसने कितना लगाया था? 40,000 लगाया था और उसे कितना मिला? 42,000 मिला. अब लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? How much was his profit or loss on his original business? अब उसने क्या पूछा आपसे? ये नहीं पूछा कि 40,000 पे कितना प्रॉफिट हुआ. उसने आपसे पूछा कि अगर मैं 50,000 से कंपेयर करूं तो उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. तो सिंपल सी बात है, दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों हम माइनस कर देंगे. तो उसने लगाया कितना था सबसे पहले? 50,000. निकला कितना? 42,000. तो डेफिनेटली ये लॉस हुआ. तो लॉस क्या हो जाएगा? कैपिटल माइनस फाइनल वैल्यू या फाइनल इनकम. दैट मींस 50,000 माइनस 42,000 इक्वल टू 8,000 रुपीज. That is your final answer. Question third. Nikhil spent 5% of his monthly on his children education. उसने क्या किया? Nikhil ने 5% education में खर्च किया. Nikhil को total income कितनी मिली थी? 100% मिली थी, क्योंकि जो भी income होता है वो 100% होता है. और हमने उसे एक नाम दे दिया है X. Invested 14% in share. उसने share में invest कर दिया 14%. Then डिपॉजिट 3% इन बैंक. उसने 3% बैंक में जमा कर दिया. एंड यूज्ड 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंस. उसने 40% यूज किया अपने डेली एक्सपेंस में. ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस ऑफ 19,000. उसने क्या किया? अब उसके पास सेविंग हो गई है 19,000 की. यहां पे ध्यान दें, यहां सारी चीजें आपको परसेंटेज में दी हुई थी, बट यहां पे आपको ये एक नंबर दिया हुआ है. वॉट वॉज हिज इनकम दैट मंथ. अब मैंने आपको बताया है कि जहां भी कोई नंबर दिया है सबसे पहले हम वहां पे फोकस करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे. सिंपल सी बात है, अगर ये टोटल 100% है तो ये कितना परसेंट होगा? 100% माइनस 40, माइनस 3, माइनस 14 और माइनस 5. तो हम सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे परसेंटेज एजुकेशन 5, परसेंटेज शेयर 14, परसेंटेज बैंक 3, परसेंटेज एक्सपेंस 40. देन सेविंग परसेंटेज 100 माइनस, ये सारे माइनस कर देंगे आपस में, 5, 3, 14 एंड 40. ये सारे परसेंटेज माइनस में हो जाएंगे, तब जाके ये सेविंग का आपको परसेंटेज निकल आएगा. तो ये आपका टोटल होता है मिलाकर 62, और 100 माइनस 62 इक्वल टू 38%. ये आपका टोटल क्या हो गया? सेविंग हो गया 38%. अब हमारे पास नंबर भी है, परसेंटेज भी है. डायरेक्ट अगर हम रिलेट कर दे निखिल के साथ तो हमें एक्स का वैल्यू निकल आएगा. कैसे? क्योंकि एक्स का 38% ही 19,000 है. क्या है? एक्स का 38%. टोटल कितना था एक्स? 100% था. उसने 5, 5, 14, 3, 40 अलग अलग जगह खर्च किया और 38% खर्च किया. किसका 38%? X का. That means हम लिख सकते हैं 38% of X equal to we have 38% of X equal to 19,000. अब यहां पे कितने अननोन टर्म है? सिर्फ एक अननोन टर्म है. तो एक अननोन टर्म एक इक्वेशन में हो तो वैल्यू निकल आता है. 38% को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 38 upon 100. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ दैट इज मल्टीप्लाई इक्वल टू 19,000. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 100 और 38 को शिफ्ट करना है उधर. क्यों? क्योंकि जब तक x अलोन नहीं होगा x का वैल्यू नहीं निकलेगा. रूल ये होता है कि अगर मल्टीप्लाई में हो कोई चीज, जैसे 38 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और अगर 100 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. उल्टा हो जाता है बेसिकली उधर जाकर. तो 19,000 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में था, 38 मल्टीप्लाई में था, इसलिए डिवीजन में चला जाएगा. 19 के टेबल से कट करूं, 19 टू जा और 19,000 जा, एंड 2 से कट करूं तो आंसर आपका आएगा, 100 से कट करूं तो 50. तो क्या हो गया? 50 इंटू 1000 दैट मींस 50,000 रुपीज. तो
आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ, तो दैट इज योर आंसर, 50,000 रुपीज इज इनकम दैट मंथ। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर, मिस्टर सैयद केप्ट रुपीज 40,000 इन अ बैंक। मिस्टर सैयद ने क्या किया, 40,000 बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया, दैट मीन्स उनका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, 40,000। ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से थोड़ी सी अलग है, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 8% फॉर 2 ईयर्स, दैट मीन्स टाइम इक्वल टू 2 ईयर। फॉर्मूला में हम इसे एन से डिफाइन करते हैं। सेकेंडली, मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्ट रुपीज 1,20,000 इन अ म्यूचुअल फंड। उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्या हुआ आपका, 1,20,000 रुपीज, ये आपका प्रिंसिपल हुआ, इन अ म्यूचुअल फंड फॉर अ 2 ईयर, दैट मीन्स टाइम इक्वल टू 2 ईयर। मिस्टर फर्नांडिस गॉट 1,92,000 रुपीज। क्या हुआ, इनको फाइनल अमाउंट क्या मिला, 1,92,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो फायदा हुआ दैट मीन्स प्रॉफिट, वो कितने का हुआ, अमाउंट में अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, ये आपका होता है 72,000 रुपीज, ये आपका प्रॉफिट हुआ, कितने सालों में, 2 साल में प्रॉफिट हुआ। अब यहां भी हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, यहां आपसे क्या पूछता है, हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। अगर आप देखें तो ये 40,000 इसने लगाया है और इसने 1,92,000 लगाया है, तो कभी भी मिस्टर फर्नांडिस को ज्यादा फायदा होगा, बट अगर किसी प्रॉफिट के बारे में बात किया जा रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज में डिसाइड होता है, ना कि नंबर से डिसाइड होता है। जैसे कि अगर मैं 2 रुपीज लगा के 20 रुपीज अगर वापस पाऊं और सामने वाला 20 रुपीज लगा के 21 रुपीज पा रहा है, तो कौन ज्यादा प्रॉफिट में हुआ, मैं हुआ, क्योंकि मुझे रिटर्न बहुत ज्यादा परसेंटेज पे मिला है बट इसे नहीं मिला है। तो आप यहां देख सकते हैं, नंबर उतना काउंट नहीं करता है, परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोनों के लिए, हम दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे और फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, जिससे हम डिसाइड कर सकेंगे कि किसे ज्यादा फायदा हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि 2 साल के बाद जो बैंक मिस्टर सैयद को वापस करेगी वो इंटरेस्ट हम लोग को पता होना चाहिए। अब वो इंटरेस्ट हमें कैसे पता चलेगा, चूंकि उसने बैंक में पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से जमा किए हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मीन्स इंटरेस्ट यानी कितने पैसे उसको वापस मिलेंगे, ये फॉर्मूला डाल के हम यूज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अभी हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, पी का वैल्यू हमें पता है क्या है, 40,000। देन अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है यहां पे, 8%, 8/100, ब्रैकेट क्लोज, का पावर एन -1, ब्रैकेट क्लोज। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, एक फ्रैक्शन में है और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके नीचे भी अगर 100 आ जाता तो हमें दोनों को ऐड करना आसान होता, तो हम ऐसा कर सकते हैं, नीचे एक 100 डाल देता हूं और नीचे 100 डालने के लिए मुझे ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, 40,000 अंडर ब्रैकेट, ये 100 100 कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा, 100 + 8 108 अपॉन 100, एन का वैल्यू हमें पहले से पता है दैट इज 2 ईयर्स -1। अब हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर मैं 4 से कट करूं तो दैट इज 25 एंड 27। अभी किसका स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट का, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 27/25, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 40,000 अंडर ब्रैकेट, 27 का स्क्वायर होता है 729, 25 का स्क्वायर होता है 625 -1। सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे फिर से आ रहा है, यहाँ पे बेस 625 है और इसका बेस कुछ भी नहीं है, तो हमें आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो
जो इसका बेस है, इसका बेस भी वही बनाना पड़ेगा, दैट मीन 625, और इसके लिए यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 625, जो मल्टीप्लाई करके आपका टोटल वैल्यू देगा 625. नाउ 40,000 इंटू 625 कॉमन आ जाएगा, और अगर मैं ये सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 104. अब ये ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के आगे अगर कोई साइन नहीं होता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई. 25 से कट करता हूं ऊपर नीचे, 25 जा 625, 25 1 जा, लेफ्ट इज 1, लेफ्ट इज 15 एंड 15 6 जा, दैट मींस 1600. अगेन मैं इसको 25 से कट करता हूं, तो 25 6 जा 150, 10 इज लेफ्ट एंड दैट इज 4 जा, दैट मींस 64. तो क्या आ गया आपका 64 into 104, ये आपका क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया, और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर आएगा 6656 रुपीज, 6656 रुपीज. अभी इसे हमें कैसे कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है इसे प्रॉफिट परसेंटेज से. तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट वैल्यू इनटू 100. परसेंटेज पी यहां पे क्या है ये हमें पता नहीं है, हमें यही निकालना है, क्योंकि किसी का भी प्रॉफिट परसेंटेज से हम पता लगाते हैं कि ज्यादा है या कम है. तो यहां पे क्या करेंगे, परसेंटेज पी इक्वल टू, यहां प्रॉफिट कितना हुआ था, जो आपको इंटरेस्ट मिला था वही आपका प्रॉफिट था, आपने 40,000 जमा किया तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, 6656 का, 6656 इंटू 100, कितने रुपए आपने जमा कराए थे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिला, दैट इज कॉस्ट वैल्यू. तो आपने 40,000 रुपीज जमा कराए थे तो आपको ये वैल्यू मिली. तो आप ये 00 कट कर देंगे, फिर अगर मैं 4 से कट करूं तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 इज लेफ्ट अगेन, 4 6 जा 24 अगेन, 1 इज लेफ्ट, दैट बिकम 60 एंड 4 4 जा 16. तो मेरे पास क्या आया, 6 1 6 6 4 अपॉन 100. और आपको पता है जब भी नीचे डिवीजन में जीरो जैसी कुछ चीजें रहे तो जितना बार जीरो होता है उतना डेसिमल आता है, तो कितने जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो है, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, अगर डेसिमल यहाँ पे था तो इधर जाएगा, 1 2, दैट मीन 16.64 परसेंटेज. ये आपका किसका परसेंटेज है, ये आपके मिस्टर सैयद का परसेंटेज है. अब हमें मिस्टर फर्नांडिस का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर सकेंगे कि किसे ज्यादा पैसा मिला है. तो इनके लिए भी परसेंटेज का वही फॉर्मूला होगा, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट वैल्यू इनटू 100. यहां पे परसेंटेज निकालने के लिए पी क्या है आपका, यहां टोटल प्रॉफिट आपका ये हुआ है, ये एक अलग सिनेरियो है, ये केस टू है, ये केस वन है, तो इसका प्रॉफिट और अमाउंट सब कुछ अलग अलग है, तो वैल्यू भी उसी के हिसाब से हम पुट करेंगे. तो प्रॉफिट क्या होगा, 7200 जो हमने पहले ही निकाल लिया था. कॉस्ट वैल्यू क्या था, कॉस्ट वैल्यू मतलब क्या, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, अमाउंट क्या था, 1,20,000 इंटू 100, 0000. नीचे अब 20 बचा, 1212. अब 12 के टेबल में 72 कब आता है, 12 6 जाता है, तो आंसर क्या आएगा, 60. ये आपका परसेंटेज कितना हुआ, 60% हुआ, और मिस्टर सैयद का परसेंटेज क्या था, 16.64% था. तो हम आसानी से बता सकते हैं कि मिस्टर फर्नांडिस को ज्यादा फायदा हुआ है, और वो क्या है, 60% है, दैट इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन 5th, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन बनाए हैं. समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम, सपोज दैट हर इनकम इज x एंड दैट इज 100% बिकॉज इनकम इज ऑलवेज 100%, एंड डोनेट 3% फॉर सोशल काउजेज. तो 3% उसने क्या किया, सोशल काउजेज के लिए इसने यूज किया, और 90% उसने स्पेंड कर दिया, यानी अपने जो बेसिक खर्च थे, एक्सपेंडिचर, वो उसने किया. इफ शी लेफ्ट फॉर रुपीज 1750,
लास्ट में उसके पास कितने रुपीज बच गए 1750। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परसेंटेज दिया है, इसका परसेंटेज दिया है, तो ये इसका रुपीज में दिया है, तो जो भी चीज की वैल्यू दी है सबसे पहले हमें वहां कॉन्सेंट्रेट करना है। ये आपको रुपीज में हो गई, तो हम इसका साथ में परसेंटेज भी निकाल लेंगे ताकि एक फॉर्मूले से हम एक्स निकाल सके। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, उससे पहले हम ये जरूर लिखेंगे, सपोज टोटल इनकम इज एक्स, स्पेंड परसेंटेज इक्वल टू 90, डोनेट परसेंटेज इक्वल टू 3, और उसके बाद क्या आएगा, सेविंग परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 90 माइनस 3, दैट मींस 100 माइनस 93 इक्वल टू 7। क्या हो गया हमारा, सेविंग परसेंटेज इज 7%। तो हम यहां पैसा लिख सकते हैं, दैट इज 7%। ध्यान रखें, ये जो मैं आपके लिए ट्री बनाता हूं ये आपके समझने के लिए बनाता हूं, ये आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये रफ में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देन सेविंग इक्वल टू 7%। अब हमारे पास रूल है किसका, 7%, 7% ऑफ एक्स इक्वल टू 1750। ये इसका 7% ही है, टोटल क्या था, एक्स था, और ये एक्स का कितना परसेंट है, 7% है। How to convert percentage into normal number? That is 7 upon 100 into x equal to 1750. अब हमें पता है ये जो division में है ये multiply में जाएगा, और जो multiply है वो division में चला जाएगा। तो लिख सकते हैं x equal to 1750 into 100 upon 7। ये 7 से कट होना चाहिए, try करते हैं, 7 2 जा 14, 3 left, 7 5 जा 35। तो हमारे पास आंसर आया 250 इक्वल टू 100, दैट मींस 25000, 25000 रुपीज उसका टोटल इनकम है। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम, दैट इज योर आंसर 25000। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।